हाय गाइस, आज मैं आप सबके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी लेके आई हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वैकेंसी है, नेशनल आयुष मिशन। आई होप आप सबने इसका नाम सुना ही होगा। हम आप डायरेक्ट वैकेंसी की ओर चलते हैं। वैसे तो एन नंबर देर आर एन नंबर ऑफ वैकेंसीज, अप्रोक्सीमेटली देर आर 9 वैकेंसीज, बट मेनली आज हम बात करेंगे उन वैकेंसीज की जो सीए और सीएमए के बेस पे है, और जिन लोगों ने सीए इंटर और सीएमए इंटर किया हुआ है वो लोग भी इस वैकेंसी के लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस मैनेजर की बेस पे। फाइनेंस मैनेजर, या सो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने एमकॉम किया हुआ है, या फिर एमबीए फाइनेंस, जो लोग एमबीए फाइनेंस हैं, या जिन्होंने एमकॉम किया हुआ है आईसीडब्ल्यूए यानी कि सीएमए, या फिर किसी ने सीए किया हुआ है, और अगर उन लोगों के पास विद दिस डिग्री 5 सालों का एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ना हो, बट एटलीस्ट वहाँ पे फाइनेंस का काम होना चाहिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर अ फाइनेंस वैकेंसी, तो आपको फाइनेंस का ही एक्सपीरियंस मांगेंगे वो लोग। एंड कुछ एक्सपीरियंस आपको, जो नॉलेज है एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, कंप्यूटर नॉलेज, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इन सब की नॉलेज तो होनी ही चाहिए आपको। अगर आप सीए हैं, सीएमए हैं, एमबीए फाइनेंस हैं, एमकॉम हैं, तो डेफिनेटली आप फाइनेंस मैनेजर के लिए एलिजिबल होंगे, ओनली एंड ओनली इफ अगर आपके पास 5 सालों का एक्सपीरियंस है। तो अब अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन की, अगर आप फाइनेंस मैनेजर के लिए एलिजिबल हैं तो आपका रेम्यूनरेशन होगा 60,000 रुपीज पर मंथ। नॉट ओनली दिस, हर साल आपको एनुअली एनहांस पर मिलेगा 5% का। डेफिनेटली आपकी सेटिस्फेक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिसाइड करेगी, जो कि सिलेक्शन कमेटी जहाँ पे बैठी होगी वो आपका एनुअली एनहांसमेंट करेगी आपके रेमुनरेशन में। उसके बाद करते हैं हम दूसरी वैकेंसी की, जो कि है अकाउंट मैनेजर की वैकेंसी। अकाउंट मैनेजर की वैकेंसी के लिए उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? अगेन एमबीए फाइनेंस है तो भी इसके लिए फिल कर सकते हैं, एमकॉम है, सी ए इंटर किया हुआ है, सी एम ए इंटर किया हुआ है, तो आप अकाउंट्स मैनेजर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन विद मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया फॉलो किया उन्होंने यहाँ पे भी। ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, या तो आपको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपने अकाउंट से रिलेटेड काम किया हुआ हो। आपको टेली की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये जो काम होगा अगर आपने ये किया होगा तो डेफिनेटली आपको एक इंटरव्यू में एज मिलेगा। अगर आपके रेम्यूनरेशन की बात करें तो फाइनेंस मैनेजर के जहाँ पे रेम्यूनरेशन 60,000 था, यहाँ पे अकाउंट्स मैनेजर के लिए 50,000 पर मंथ है। एनुअल एनहांसमेंट का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, 5% पर एनम। अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट कब है, इसकी लास्ट डेट, जस्ट अ सेकेंड, इसकी लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2023। आपके पास अभी बहुत समय है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और अगर मेरी बात माने तो फॉर्म को टाइमली फिल कर दीजिए इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू क्लियरली, दिस वैकेंसी इज नॉट परमानेंट, दिस इज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी। और अगर आपकी एज लिमिट 21 ईयर से 60 ईयर्स के बीच में है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी, राइट? एंड अगर आप कहीं पे भी टूर पे जाएंगे तो डेफिनेटली वो लोग आपको टीएडीए भी प्रोवाइड करेंगे। आपको लीव कितनी मिलेगी, कुछ लोगों का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हमें लीव कितनी मिलेगी, तो साल में आप एलिजिबल होंगे 18 लीव्स के लिए। ओके, सी ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है आप इसको ऑनलाइन फिल नहीं कर सकते, आपको ये फॉर्म ऑफलाइन फिल करके भेजना होगा। लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू द फॉर्म, वेट अ सेकेंड, या हियर इट इज। इंटरेस्टेड पर्सन मे सबमिट देयर एप्लीकेशन टू दिस एड्रेस। उन्हें एक रिज्यूम में फिल करना पड़ेगा, साथ में सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगानी पड़ेगी अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की। ये रहा आपका फॉर्म जो आपको फिल करके भेजना है। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, पासपोर्ट फोटो लगाना है, नेम लिखना है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑफ कोर्स आप पूछेंगे आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। सी आप जो जो इसमें इंफॉर्मेशन भरेंगे उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, जैसे कि अगर आपके क्वालिफिकेशन जो है वो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, और आपका जो भी एक्सपीरियंस जो डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला है
वो भी आप उसके अंदर भेजेंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप वैकेंसी फिल कर दीजिए। ओके, बाय बाय।